घर की सजावट से लेकर कई स्वास्थ्य लाभों के लिए लोग अपने घरों में पौधे लगाते हैं। एक तरफ बात करें आउटडोर प्लांट्स की, जो घर के बाहर की खूबसूरती तो बढ़ाते हैं, और दूसरी तरफ बात करें हम इंडोर प्लांट्स की, जिनमें से एक नाम है डाइपनबीचिया। इंडोर प्लांट जो है घर के अंदर की खूबसूरती तो बढ़ाते ही हैं, लेकिन उनमें से कई पौधे ऐसे होते हैं जो अपने वातावरण को शुद्ध रखते हैं। तो आज मैं बात करूंगा ये डाइपनबीचिया प्लांट की, जिसे डंप केन के नाम से भी जाना जाता है। ये पौधा अपनी पत्तियों के कारण, अब इसकी पत्तियां देखो कितनी चौड़ी होती हैं, अपनी पत्तियों के कारण बहुत खूबसूरत होता है। खूबसूरती के साथ साथ इस पौधे के को घर के अंदर अगर कहीं लगाते हैं तो ये घर के वातावरण को शुद्ध रखता है, और जितने भी केमिकल से गैसें बनती हैं उनको ये प्यूरीफाई करता है। तो इसको एक जो पौधे को प्यूरीफायर प्लांट भी कहा जाएगा, एयर प्यूरीफायर प्लांट, क्योंकि ये घर के वातावरण को शुद्ध तो करता ही है। और एक इस पौधे की एक खासियत ये है कि कम देख रेख में भी चल जाता है। जो लोग नए बिगिनर्स हैं, अगर नए पौधे ला रहे हैं, प्लांट नर्सरी से ला रहे हैं, तो ये डाइपनबीचिया का प्लांट लाइए, आपके ये कम देख रेख में भी चल जाएगा। क्योंकि कई हाउस वाइफ या कोई अपने घर में लगाते हैं तो ये प्लांट की देख रेख उतनी नहीं करनी पड़ती है। आप इसको लगा देंगे, इसमें एक बार खाद डालेंगे, ये 1-2 महीने तक के लिए ऐसे बढ़िया रहेगा, और इसमें ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आज मैं आपको इस पौधे की देख रेख और इसमें कौन सी खाद दी जाए जिससे कि इसकी पत्तियाँ हरी रहें और पौधा अच्छी ग्रोथ करे, उसके बारे में बताऊँगा। उससे पहले जो चैनल में नए जुड़े हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि जो आने वाली वीडियो होगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये पौधा कई चीज़ों में फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके साथ साथ ये कई चीज़ों में नुकसानदेह भी है। जैसे आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या कोई पालतू जानवर हैं, कुत्ता या बिल्ली कोई पालतू जानवर हैं, तो ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है अगर वो उनकी पहुँच के अंदर रहा, और ये उन पत्तों को अगर तोड़ के चबा दें या इसकी स्टेम तोड़ के अपने उनके हाथ में कुछ इसका रस लग जाए और वो मुंह में लगा लें, तो ये पॉइजनस भी होता है पौधा। इसलिए आप इस पौधे को बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो इसके तो मैंने आपको फ़ायदे और नुकसान बता दिए हैं, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसी मिट्टी में लगाया जाए और कैसे पॉट में लगाया जाए जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी हो। अगर आप नर्सरी से कोई डाइफेनबीचिया का पौधा लाते हैं, इसको डंप केन के नाम से भी जाना जाता है, अगर डंप केन कहेंगे तब भी ये पौधा मिल जाएगा आपको। तो अगर आप ये पौधा नर्सरी से लाते हैं तो आप इसको कैसी मिट्टी में लगाना है सबसे पहले ये जानिए। इसके लिए मिट्टी जो है हमेशा जो है बर्बरी मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी रुके ना, क्योंकि अगर ये पौधा इंडोर प्लांट है, अगर इसमें पानी रुक गया ज़्यादा तो ये पौधा ख़राब हो सकता है, क्योंकि इसकी जड़ों को बहुत नुकसान पहुँचता है अगर इसमें पानी रुक गया। तो आप सबसे पहले इसकी जो मिट्टी बनाएंगे उसमें, अगर आपकी रेतीली मिट्टी है तब तो सही है, अगर आपकी रेतीली मिट्टी नहीं है तो उसमें आप राइस हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस हस्क आपको कहीं भी कोई भी आटे चक्की होती है वहाँ मिल जाएगा, या धान मिल होती है कहीं वहाँ मिल जाएगा आपको। और अगर आप राइस हस्क नहीं मिलता है तो आप कोकोपीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोकोपीट भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, और कोई सीड्स या फर्टिलाइज़र वाली दुकान है वहाँ भी मिल जाता है। तो आप जो इसकी मिट्टी तैयार करेंगे उसमें जो है 40% तो गार्डन सॉयल होनी चाहिए, और 30% उसमें जो है राइस हस्क या कोकोपीट कुछ भी मिला हो, और उसमें 30% जो है खाद ज़रूर मिलानी है आपने। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद इसमें मिला सकते हैं, या आपने जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाई है वो भी आप इसमें मिला सकते हैं 30%। अब ये बात तो हो गई मिट्टी की, अब इसमें बात करते हैं आप इसको किस पॉट में लगाना है, कितने बड़े पॉट में लगाना है। अगर आपने छोटा, जैसे देखिए छोटा प्लांट लगा रखा है, ये देखिए जैसे ये छोटा प्लांट है, ये इसका जो है बेबी प्लांट है, ये खुद ही हुआ है इसमें। अगर आप छोटा प्लांट लगाते हैं तो आप उसको 8 या 10 इंच के गमले में भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर वो ग्रोथ करेगा तो उसको बाद में आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और अगर आप इसको बड़े पॉट में लगा रहे हैं तो आप कम से कम 10 या 12 इंच का पॉट लेंगे उसमें लगाएंगे, क्योंकि ये पौधा जो है अच्छी ग्रोथ करता है, जितना बड़ा पॉट पॉट होगा उतना अच्छी ये ग्रोथ करेगा। तो आप इसको गमले की बात होगी कि इसमें मिट्टी के गमले में या सीमेंट के गमले में या प्लास्टिक के गमले में,
तो आप, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको मिट्टी के गमले में लगाएं तो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर आप घर के अंदर रखते हैं तो इसको प्लास्टिक पॉट में भी लगा सकते हैं। और मैंने देखिए इसको चीनी मिट्टी का जो पॉट है इसमें लगा रखा है, इसमें भी ये अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसको अभी 1 साल हुआ है, 1 साल में इसने इतनी अच्छी ग्रोथ कर दी है। अब बात करते हैं इसको खाद की, खाद कब देनी है और कितनी मात्रा में देनी है। आप जब भी इसमें खाद दें तो कम से कम 1 महीने तक इसमें इतनी खाद दे दें कि इसको 1 महीने तक खाद देने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये है, या अगर इसमें आप इसको दोबारा इसमें खाद दे रहे हैं तो जब आपने इसको लगाया है पौधे को, उसके 1 महीने बाद आप इसमें खाद देंगे तो इतनी मात्रा में खाद देनी है आपको। ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, ये मैंने घर में बनाई हुई किचन वेस्ट से जो खाद बनाई है, ये वो है। ये किचन वेस्ट से खाद कैसे बनाई जाती है आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, मैंने इसकी वीडियो पहले बना चुका हूँ। तो आप किचन वेस्ट से खाद बनाकर दीजिए, या आप वर्मी कंपोस्ट कहीं से लाकर या ऑनलाइन मंगा कर दे सकते हैं इसमें, और या आप गोबर की खाद कहीं से ला रहे हैं तो वो भी यूज कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और इस समय जो ये बरसात का समय चल रहा है, इस समय ये अच्छी ग्रोथ करता है, तो उस समय अगर इसको खाद दी जाए तो ये पौधा 1 महीने के अंदर ही आपका ये घना हो जाएगा। तो आप इस पौधे में 10% खाद हर महीने डालते रहिए, जितनी आपकी मिट्टी और जितना लगा है पौधा उससे 10% आप इसमें खाद डालिए तो आपका पौधा अच्छा चल जाएगा। और इसको अगर आप और अच्छा बनाना चाहते हैं और इसके जो पत्तियां हैं, पत्तियों का कलर और अच्छा करना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप इसकी पत्तियों का कलर भी अच्छा कर लेंगे और पत्तियों का साइज़ भी अच्छा हो जाएगा और आपके पौधे में कोई जो है कीड़ा वगैरह नहीं लगेगा। ये देखिए जो मेरा पौधा है, मैंने जो इसमें काम कर रखा जिसकी वजह से इतना अच्छा हो रखा है, इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी बड़ी साइज़ की हो रखी। और ये अभी थोड़ा सा और ग्रोथ कर रहा है, देखिए यहाँ से इसमें नई जो आ रही है, नई पत्तियाँ आ रही, नई स्टेम भी आ रही है। तो ये पौधे की जो देख रेख जैसे मैंने करी है, आप भी उस प्रकार से करेंगे तो आपका पौधा जो है अच्छा हो जाएगा और 1-1.5 महीने के अंदर ही इसमें बहुत सारी पत्तियाँ भी निकल आएंगी जिससे कि आपका पौधा बहुत खूबसूरत लगेगा। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें किस चीज़ का यूज कर रखा मैंने। दोस्तों ये देखिए, ये चीज़ आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, ये पौधों के लिए बहुत अच्छी खाद और साथ साथ उसके साथ इंसेक्टिसाइड भी है, जो जो पौधों को पोषण तो देती है और साथ साथ जो रोग लगते हैं इसमें, कीड़े वगैरह लगते हैं, उनको भी ख़त्म कर देती है। तो इसको कैसे बनाया जाएगा मैं आपको बता देता हूँ। आप देखिए इसमें दो चीज़ मिलानी है आपने, एक तो पानी लेना है, पानी 1 गिलास, देखिए जैसे मैंने 1 गिलास ले रखा है, इसमें पानी लेना है आपने। और उसमें केले के जो छिलके होते हैं, बनाना पील्स कहते हैं उनको, केले के छिलकों को आपको हल्का हल्का कट करके इस पानी में डाल देना है। और उसमें आप थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर मिला देंगे, टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी। हल्दी का यूज पौधों में बहुत जगह आपने सुना होगा, हल्दी का यूज करा जाता है, कहीं फंगस के लिए किया जाता है, फंगस को हटाने के लिए, कई जगह इसको पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए किया जाता है, कई जगह जब नया पौधा लगाते हैं तो उसमें भी यूज किया जाता है जिससे कि उसकी जड़ें खतक ख़राब नहीं होती। लेकिन इसमें इसका यूज जो होगा मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से करना है हल्दी का यूज, जिससे कि आपके जो इसमें पौधे में अच्छी ग्रोथ होगी और जो है कीड़े इसमें नहीं लगेंगे। तो आपने ये चीज़ बना देनी है, इसको आप लगातार भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने केले के छिलके और हल्दी, 1 चम्मच हल्दी मिलाई है इतने बड़े गिलास में, ये कम से कम आधा लीटर होगा पानी, उतने पानी में मैंने बना रखा। आप ये बनाएंगे, उसके बाद इसको कैसे यूज करना है आप देखिए, इसको 3 दिन तक तो इसको भिगा के रखना है, तीसरे दिन से इस्तेमाल, चौथे दिन से इस्तेमाल करना है इसको। चौथे दिन से आप जब भी इस्तेमाल करेंगे इसको दोबारा से उतना ही पानी भर के दोबारा बना सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करना है मैं बताऊँगा। देखिए जैसे आपने ये भिगा रखा है, मैंने 3 दिन हो गए हैं, चौथा दिन आज, तो ये देखिए इसमें जो कलर बन के आया है इसमें, क्योंकि जो बनाना पील्स हैं उनका जो पोटेशियम वगैरह जो उनकी खाद होती है उनका रस भी इसमें चली गया है और हल्दी का जो मिक्सचर है वो भी इसमें पड़ गया है। और उतने दिन में ये पूरा देखिए तैयार हो गया है, 4 दिन में। ये देखिए इसको कैसे यूज करना है, आपने जो ये बनाया है इसको हल्का सा अगर आप किसी चीज़ से छान के रख लें तो बहुत बढ़िया। इसको इस तरीके से आप हल्का सा इस पानी इसमें डालिए,
मैंने ये पहले से आधा लीटर और पानी रख रखा, इसमें इसका हल्का सा पानी डाल देंगे इस तरीके से। और इसको अब क्या करना है, आपने एक कॉटन का टुकड़ा लेना है, ये देखिए कॉटन का टुकड़ा लेंगे, इसको इसमें भिगा देंगे, जिससे कि जो इसमें पानी है ये कॉटन के टुकड़े में, इससे पूरे अच्छे से कॉटन का टुकड़ा इससे भीग जाए। अब इसको आपने क्या करना है, जो पत्तियां हैं इसको हल्का हल्का साफ़ करना है। अगर आप ये 8वें 10वें दिन करते रहेंगे तो आपके पौधों में जो है इंसेक्ट्स भी नहीं लगेंगे और आपके पौधे को जो है अच्छी ग्रोथ भी होगी, क्योंकि इसमें कई धूल मिट्टी जमा हो जाती है। आप ऊपर से और नीचे से इस तरीके से आप इसको हर पत्ते में लगा दीजिए और पत्ता बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा ये लगाने से देखिए कितना चमक आएगी, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी जो होती है वो इसमें जमा हो जाती है और इसमें उसकी वजह से कीड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आप इसको हल्के हल्के ऐसे साफ करके कर सकते हैं, या कोई आपके पास अगर वो है स्प्रे बोतल है तो उससे भी इसमें पानी का छिड़काव कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसमें हर पत्ते को साफ कर दीजिए अच्छे से, और इसी तरीके से आप इसको इसकी स्टेम जो होती है उसमें भी लगा देंगे, क्योंकि स्टेम अगर इसकी अच्छी रहेगी तो ये पौधा खुद ही अच्छी ग्रोथ करेगा। तो इस तरीके से आप स्टेम में भी लगा दिए, हर 8-10 दिन में करेंगे तो ये पौधा आपका इसमें कीड़े वगैरह भी लेंगे और अच्छी ग्रोथ कर लेगा और ये पौधा आपका सालों साल चलते रहेगा। और जो ये देखिए ये जो पानी बचा हुआ है जो इसमें, इसका यूज भी कर सकते हैं आप, इसको इस तरीके से आप हल्का हल्का इसमें डाल दीजिए। ये फर्टिलाइजर का भी काम करेगा और इंसेक्टिसाइड का भी काम करेगा। कभी आपके पौधे में फंगस लगने का डर रहता है तो इसका अगर हम पानी डालेंगे इसमें, क्योंकि इसमें हल्दी मिली है इसका पानी डालेंगे तो इससे क्या होगा, आपके पौधे में जो फंगस नहीं लगेगा, उसकी जड़ें मजबूत रहेंगी। लास्ट में दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ, ये जो है ये देखिए मेरे हाथ में जो चम्मच में जो आप पदार्थ देख रहे हैं ये पिंक कलर का, तो इसको कहते हैं NPK 20-20-20। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों समान अनुपात में बटा रहता है। तो ये फर्टिलाइज़र आप कहीं से लाएंगे तो इस NPK को आप किसी पानी के 1 लीटर पानी में 1 चम्मच, 1 लीटर पानी में ध्यान से सुनना, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आप घोलेंगे, उसके बाद इसको स्प्रे करेंगे और हर 5वें 6वें दिन इसमें देंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे 1 चम्मच आपने पानी में घोला और स्प्रे करके उसमें से थोड़ा बहुत आप इसकी मिट्टी में भी दे सकते हैं, हर 5वें 6वें दिन देंगे तो ये पौधा इतनी अच्छी ग्रोथ करेगा, क्योंकि ये बरसात का समय है, इसमें फर्टिलाइज़र की इसको बहुत अच्छी आवश्यकता होती है क्योंकि इसका ग्रोविंग टाइम है। अगर इसको आप केमिकल फर्टिलाइज़र भी देंगे तो ये और अच्छी ग्रोथ करेगा और पौधा आपका बहुत भूसी और घना हो जाएगा, जिससे कि आपका इंडोर प्लांट जो कहीं भी लगाते हैं आप इसको बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर पानी में डाल के यूज़ नहीं कर रहे तो हल्का हल्का देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको, हल्का हल्का स्प्रिंकल कर दीजिए, जैसे ये है हल्का ऐसे इस तरफ डाल दीजिए, हल्का इस तरफ डाल दीजिए, हल्का इस तरफ डाल दीजिए। लेकिन इसके साथ साथ आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी यूज करना है, क्योंकि ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र से भी मिट्टी इसकी ख़राब हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आगे कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।